खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में जिला पोषण समिति एवं वर्ल्ड विजन इंडिया क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में पोषण माह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर बांदा चित्रकूट सांसद आरके पटेल ने की है। शुभारंभ के बाद सांसद ने कहा कि 2014 से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से बागडोर संभाले हैं तो पूरे देश में बाल विकास पुष्टाहार को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि एनएम आशा आंगनबाड़ी को आपने गांव में देखा होगा, अब उनके कार्यों में बदलाव दिख रहा है। डीएम अभिषेक आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कुपोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी विभागों का इसमें सहयोग रहता है। अभी काफी लंबी लड़ाई बची हुई है। कुपोषित बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास कैसे हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कुछ गांव किन्हें कराया जा रहा है, जहां पर कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं और गर्भवती महिलाओं में जांच के बाद कमी आ रही है, उन गांवों में जन जागरूकता का कार्यक्रम कर जानकारी दी जाएगी, जिसमें गर्भवती माँ का हीमोग्लोबिन कम होना, बच्चों का पोषण तत्व क्या देना है, कुछ बीमारियों के कारण बच्चे कमजोर होते हैं, इन सब को मिलाकर हम लोग इस पर गहन समीक्षा करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी अमित अशेरी ने कहा है कि पोषण माह विगत 2 वर्षों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुपोषित बच्चों को कैसे बाहर निकालेंगे। कुपोषण उनकी माँ से होता है, बच्चे पैदा होने पर पता चलता है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट जिला BHND सेक्शन में पूरे प्रदेश में 3रा स्थान लाया है। इस प्रकार नीति आयोग में भी जिले की रैंक अच्छी है। ANM आंगनबाड़ी आशाओं का कार्य में भी अच्छा सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, भाजपा नेता पंकज अग्रवाल, CM भूपेश द्विवेदी, बाल विकास परियोजना अधिकारी PD विश्वकर्मा, सुपरवाइजर आंगनबाड़ी NM आशा आदि मौजूद रहे। विभागों द्वारा एक कार्ययोजना बनाई गई है, जो बच्चे अभी कुपोषित पैदा हो रहे हैं या कुपोषित हो जा रहे हैं किसी कारण से, उनको हम कैसे कुपोषण से हटा के पोषित बच्चों, एक मजबूत बच्चे है उसको कैसे बनाएं। सभी विभागों की कार्ययोजना है। हमारी आज जो कार्यक्रम हुआ था उसमें आशा बहने आंगनबाड़ी हमारी सभी मौजूद थी और इसी बात पर चर्चा हुई है। उनको सुबह से 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे इसमें काम करना है। तो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो या बाल विकास विभाग की हो, चाहे उनको पुष्टाहार वितरण हो या उनको उनका जो RDS के 3 बजा परीक्षण किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उसके बाद उनको CSC लाया जाता है, जिला अस्पताल में NRC सेंटर चल रहा है वहाँ लाया जाता है, ताकि उसको हम वापस पोषित की श्रेणी मिलाएं। उन सब के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी गई है और इसको हम अगले 1 महीने तक इस पूरी कार्ययोजना पर काम करेंगे। हमने 48 गाँव भी चिन्हित किए हैं जहाँ पे लगातार कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं और वहाँ पे क्या कमी है, उसको अपने नोडल अधिकारियों से निरीक्षण करा के उस कमी को भी निराकरण कराएंगे कि क्यों वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है।